हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 14.5। विद पी क्यू लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर एज अ डायमीटर ड्रॉ सर्कल। यहाँ पे क्या दिया है, एक पी क्यू लाइन सेगमेंट है, कितना बड़ा, 6.1 सेंटीमीटर का। हमें क्या करना है, इसको डायमीटर लेना है एक सर्कल का। सर्कल ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर क्या होना चाहिए, पी क्यू। अब कोई भी सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें उसका सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए ना। सेंटर पॉइंट क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट उसका सेंटर पॉइंट होगा। तो हमें इसका सेंटर पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होगा, इस लाइन को बाइसेक्ट करना होगा। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में। अगर हम पी क्यू को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वो लाइन जहां से कट होगी तो हमें इसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा ना। फिर हम उसे रेडियस लेके उस पॉइंट से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 6.1 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाना है पी क्यू। तो ये हमने रूलर रखा अपना और इसमें जीरो से स्टार्ट करके 6 तक लेके आए, एक पॉइंट और आगे चले गए। तो ये 6.1 का हो गया हमारा लाइन सेगमेंट पी क्यू। अब हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है रेडियस फाइंड आउट करने के लिए, सेंटर पॉइंट के लिए। तो हमने कंपास लिया, थोड़ा सा इसके सेंटर से हाफ से थोड़ा ज्यादा लिया, एक आर्क यहां लगाया और एक आर्क नीचे लगाया। अब सेम रेडियस से हमने पी पे पॉइंटर रखा, ये पॉइंटर आपका हिलना नहीं चाहिए, एग्जैक्ट पी पे ही आना चाहिए। ये रखा, ये देखिए ये मेरा थोड़ा सा हिल गया तो ये मेरा गलत हो गया। मैं इसको इरेज करके फिर से करूंगी, ये आपको ध्यान रखना है, कंपास बिल्कुल हिले नहीं रेडियस उसकी। तो मैंने फिर से इसको रखा क्योंकि मैंने क्यू पे लगा लिया, पी करते समय मेरा हिल गया था। ये देखिए ये यहां पे ऐसे लगाया आर्क और एक आर्क नीचे की तरफ लगाया। अब पी पे रखा पॉइंटर को, यहां पे ऐसे मार्क लगाया और इस आर्क को नीचे से भी कट कर दिया। और अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, ये देखिए ये ज्वाइन कर दिया। अब ये पॉइंट क्या हो गया, ओ पॉइंट, जहां पे ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये इस सर्किल का हमारा रेडियस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ओ पे पॉइंटर रखा और उसे पी तक लेके आए, ये देखिए ले आए ना। अब ये हम एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये ओ से पी से ओ जितना दूर है उतना ही दूर क्यू से ओ होगा। ये देखिए ये पूरा देखिए दोनों तरफ से टच हो गया ना पी क्यू से, तो पी क्यू डायमीटर हो गया हमारे सर्किल का और ओ हो गया सेंटर पॉइंट।